दोस्तों आज हम बात करने वाले बहुत ही बेहतरीन प्लान के, जिसका साइज है 15x25, मतलब 15x25 स्क्वायर फीट में आपको बहुत ही बेहतरीन घर बनाकर मैंने दिया है, जिसमें आपको दो बेडरूम, लेटरिन बाथरूम, किचन और स्टेयर्स की व्यवस्था मिलती है। इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर इस मॉडल को मैं डिजाइन कर रहा हूँ, 15x25 का हाउस प्लान, जिसमें मैंने कि फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर डिजाइन किया है। अगर आप कोई रिकमेंडेड मॉडल चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ साथ अगर आप हमारा पेड सर्विस का यूज़ करना चाहते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी वो सर्विस पेड होगी। तो चलो, जो आज का मॉडल है 15x25, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश जरूर करना चाहेंगे, यदि आपने अभी तक हमारे स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबाएँ, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान को। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 15x25 का यही पूरा मॉडल है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, देख सकते हैं आप। और इसका फ्रंट व्यू बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन किया है, यहाँ पर आपको थ्री साइड क्लोज्ड है 15x25 में। तो पहले मैं मैक्सिमम जूम करके आपको दिखाता हूँ इस मॉडल को। मैक्सिमम आप जूम करते हैं तो ये देखिएगा, मैक्सिमम जूम पर आपको ये रेलिंग वगैरह देखने को मिलती है बेहतरीन सी। और ये आपका एक विंडो है जिसमें टेक्सचर मैंने यूज़ किया है, ये विंडो, ये आपका मेन डोर है, ये यहाँ पर भी रेलिंग लग रही है। और ये आपका पीयूपी का बना हुआ थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह है जो आप देख पा रहे होंगे। तो 15x25 का ये हाउस प्लान है, इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका ग्राउंड फ्लोर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ग्राउंड फ्लोर पर आपको ले चलते हैं। तो ये इसका दोस्तों ग्राउंड फ्लोर है, मैं इसको जूम करता हूँ तो ये देखिएगा, यहाँ पर आपका डोर वगैरह दिख रहा है, ये आपका रेलिंग। तो मेन डोर दोस्तों यहाँ से है, और मैंने स्टार्ट सामने सबसे पहले थोड़ा सा फूल वगैरह लगा दिया, देख सकते हैं ये आपकी स्टेयर्स हैं चढ़ने के लिए। आप मेन डोर से अंदर आते हैं तो सबसे पहले आपको मिल जाता है दोस्तों स्टेयर्स, आपका जीना। बहुत ही ध्यान ये रखना है, जीना जब भी आप बनवाएं तो दोस्तों 2 फिट चौड़ा ही बनवाएं, क्योंकि जो टोटल मैंने ये रूम क्रिएट किया है ये लगभग 10 फिट का है, अप्रॉक्स 10 फिट का, ये टोटल 15 फिट है। तो 5 फिट ये जगह बचेगा, इसी में आपको स्टेयर्स अंदर से बाहर को चढ़वानी, इसके बाद फिर अंदर को मोड़ देना है। तो जब भी चढ़वाएं इनको बहुत ही आपको सावधानीपूर्वक चढ़वाना पड़ेगा। और इसके बाद ये आपके एक बेडरूम है बड़ा सा, इस बेडरूम के लिए बाहर से एक विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए। और इसका ये डोर है जो कि आप अंदर से देख सकते हैं, अंदर से डोर यहाँ पर है। और ये दोस्तों लेटरिन बाथरूम कंबाइंड मैंने क्रिएट किया है, ये इसका डोर है। और सबसे पीछे भी एक बेडरूम दिया है, और इस बेडरूम के लिए ये मेन डोर है दोस्तों, आप देख पा रहे हो, ये किचन का एरिया आपको देखने को मिल जाता है। तो ये पूरा 15x25 में ग्राउंड फ्लोर बनकर रेडी हो जाता है, जिसमें आपको दो बेडरूम, लेटरिन बाथरूम, किचन और स्टेयर्स की व्यवस्था मिल जाती है। तो बहुत ही बेहतरीन प्लान। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर। तो जैसे फर्स्ट फ्लोर पर आते, तो अगर हम इसके मैप की बात करें तो सेम टू सेम वही है जो ग्राउंड फ्लोर पर था, वही दो बेडरूम, लेटरिन बाथरूम होंगे, लेकिन सिर्फ आगे का लुक मैंने चेंज कर दिया है। ये रेलिंग जो बनाई है, ये देखिए रेलिंग बहुत ही बेहतरीन सा आपको देखने को मिल रहा होगा, और इस टाइप का रेलिंग बना दिया है। तो ये पूरा रेलिंग बनने के बाद रेडी होकर आपका तैयार हो जाता है बेहतरीन सा, ये रेलिंग आपको। और इस बालकनी जो मैंने बनाया है, इस डोर से आप बाहर आ सकते हैं इस बालकनी में, और ये पूरा आपका फर्स्ट फ्लोर रेडी हो जाता है। अगर हम बात करें लास्ट फ्लोर, तो लास्ट फ्लोर पर सिर्फ मैंने चारों तरफ बाउंड्री दे दी है दोस्तों 3 फिट का, और फ्रंट में रेलिंग लगा दी है। और ये आपका दोस्तों जो जीना था, स्टेयर्स थी, उसको ढकने के लिए बरसात में पानी वगैरह ना जाए पूरा क्रिएट कर दिया है। तो ये देखिए मैक्स मैंने मिनिमाइज कर दिया, अब आप इसको पूरा देख पा रहे होंगे 15x25 का प्लान। तो ये कैसा प्लान लगा हमें अपना फीडबैक जरूर दिया करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अगर आप कोई भी घर, स्कूल, बिल्डिंग कोई भी बनवाना चाहते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस का यूज़ कर सकते हैं, जिसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लें, वहाँ पर आपसे बात की जाएगी, आपकी प्रॉब्लम को समझा जाएगा, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका घर को रेडी किया जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें, आपका कैसा फीडबैक है यहाँ पर लाइक करके बता दें, और अगर आपका कोई रिकमेंडेशन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।